ट्रेडिंग फैब एक ऑथोराइज पार्टनर है डिस्काउंट ब्रोकरेज फर्म्स का, जैसे कि जीरोधा है, अपस्टॉक्स है, फाइव पैसा है। अगर आप इन तीनों में से कोई एक ट्रेडिंग अकाउंट हमारे पार्टनर रेफरल आईडी के अंडर अगर आप ओपन करते हैं, तो आपको हमारी जो इंट्राडे प्रीमियम मेंबरशिप है वो आपको एब्सोल्युटली फ्री में मिल सकती है। उसके लिए आपको करना क्या है, जस्ट यह अप्लाई हियर के ऊपर क्लिक करना है। तो जैसे ये वेब पेज ओपन होगा तो आपके यहाँ पर डिटेल्स आपको एंटर करने हैं, तो ऑनलाइन प्रोसेस शुरू हो जाएगी। एक दिन में अकाउंट ओपन हो सकता है अगर आपके डॉक्यूमेंट्स रेडी है तो। अकाउंट ओपन होने के बाद आपका जो क्लाइंट आईडी है वो आपको हमें इस नंबर पे कॉल करके कंफर्म करना है, ताकि हम आपको इंट्राडे प्रीमियम मेंबरशिप में ऐड कर सके। तो ये एक छोटा इंट्रो था ट्रेडिंग फैब के बारे में। गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम वंस अगेन टू निफ्टी एनालिसिस फ्रॉम tradingfab.in। आज है 1 जनवरी 2021, फ्राइडे है, सुबह के 8:43 हो रहे हैं। हफ्ते का लास्ट ट्रेडिंग सेशन है, लेकिन साल का पहला दिन है। कल निफ्टी ने एक माइलस्टोन अचीव किया, 14,000 का लेवल निफ्टी इंडेक्स ने कल अचीव किया, रिकॉर्ड हाई। इस लेवल पे निफ्टी इंडेक्स पहले हिस्ट्री में कभी नहीं था। तो क्या निफ्टी यहाँ से अपनी अपवर्ड जर्नी कंटिन्यू रखेगा, कहाँ पर रेजिस्टेंस के लेवल्स आ रहे हैं उसको आइडेंटिफाई करेंगे, लेकिन सबसे पहले कल के एनालिसिस का रिव्यू करते हैं। ये कल का हमारा ब्रेकआउट लेवल है, 14,000 का ब्रेकआउट लेवल था और फर्स्ट टारगेट था 14,021। नीचे ब्रेकडाउन लेवल बन रहा था 13,947। तो जैसे कि आप देख पा रहे हैं, ये 5 मिनट का निफ्टी इंडेक्स का चार्ट है। निफ्टी इंडेक्स शुरू होते ही नीचे आकर ये ब्रेकडाउन लेवल के पास सपोर्ट लेके बाउंस बैक हुआ। काफ़ी चॉपी मार्केट था, दुनिया भर के बाजारों में छुट्टियां मनाई जा रही थी, तो इंडियन मार्केट में भी थोड़ी सी वॉल्यूम की कमी के कारण एक चॉपीनेस देखने को मिल रहा था। यहाँ पर फर्स्ट अटेम्प्ट ब्रेकआउट फेल हुआ 14,000 का, और यहाँ से फिर एक चॉपीनेस देखने को मिला। निफ्टी इंडेक्स ने कई बार ब्रेकआउट लेवल को पेनेट्रेट किया, और लास्ट सेशन में एक जब ब्रेकआउट मिला फर्स्ट टारगेट एग्जैक्ट यहाँ पर ही निफ्टी ने कल का हाई बनाया। कल का रेजिस्टेंस का लेवल था टॉप का 14,021 के बाद, और फिर से मार्केट एक चॉपिनेस के साथ यहाँ पर क्लोज होते हुए नजर आया। तो ये कल के एनालिसिस का एक क्विकली रिव्यू था। ग्लोबल मार्केट के पहले हालात देख लेते हैं। कल आज पूरी दुनिया भर में 31st न्यू ईयर का सेलिब्रेशन होता है, तो ज़्यादातर वॉल्यूम काफ़ी कम देखने को मिलता है। यूएस मार्केट देखे कल, नासडैक तो हल्की सी बढ़त के साथ बंद हुआ, वहीं यूरोपियन मार्केट्स में गिरावट देखने को मिली। एशियाई बाजार आज ओपन हो चुके, तो एसजीएक्स निफ्टी फ्लैट नोट के साथ कारोबार इस समय करता हुआ नजर आ रहा है। जापानीज इंडेक्स आज बंद है, वहाँ पर छुट्टी है, और बाकी के ये एशियाई बाजार देखे तो यहाँ पर भी मिला जुला कारोबार इस समय देखने को मिल रहा है। डाउ फ्यूचर को देखे तो 180 पॉइंट की बढ़त देखने को मिल रही है, तो हो सकता है निफ्टी इंडेक्स ऊपरी लेवल पे एक साइडवेज पैटर्न देखने को मिले, और फिर अपर बैंड या फिर लोअर बैंड अगर ब्रेक करता है तो आने वाले ट्रेंड के बारे में ही तभी हमें कंफर्मेशन मिल सकता है। चलते निफ्टी के चार्ट के ऊपर, नया मंथ शुरू हो रहा है तो मंथली चार्ट को एक बार एनालाइज करेंगे। ये मंथली चार्ट है निफ्टी इंडेक्स का, यानी एक कैंडल एक मंथ का हाई लो ओपन और क्लोज वैल्यू हमें प्रेजेंट कर रहा है। अभी अगर आरएसआई को इसमें देखे, आरएसआई को मंथली चार्ट में देखे, तो ये लास्ट टाइम 2014 में 70 के अबाउ काफ़ी एक्सट्रीम ओवरबॉट यहाँ पर हो गया था, जब भी पीएम मोदी फर्स्ट टाइम पीएम बने थे, तो यहाँ पर तभी एक बार 70 के ऊपर जाने के बाद एक्सट्रीम ओवरबॉट निफ्टी इंडेक्स में देखने को मिला था। उसके बाद जैसे ही 70 के ऊपर मंथली चार्ट में जाता है तभी एक यहाँ पर करेक्शन आता हुआ नजर आता है। तो यहाँ पर अभी 70 के लेवल के आसपास पहुँचने के लिए यहाँ पर आरएसआई रेडी है, और ऊपर प्राइस एक्शन को देखें तो यहाँ पर जो लास्ट स्विंग हाई लो मिल रहा है मंथली चार्ट में, उसको पकड़ के अगर ड्रॉ करें तो 76.4% का लेवल ऑलमोस्ट यहाँ पर अचीव होता हुआ नजर आ रहा है। तो ऊपर 14,150 के आसपास हो सकता है रेजिस्टेंस हमें देखने को मिले। अगर उस लेवल को भी ये ब्रेक कर देता है, उसके ऊपर सस्टेन करता है, तो निफ्टी में 15,000 के लेवल समय आने वाले समय में देखने को मिल सकते हैं। दो काफी स्ट्रॉन्ग बुलिश कैंडल्स मंथली चार्ट में हमें देखने को मिल रही है, यानी बुलिशनेस बुल का कंट्रोल काफी ज्यादा है यहाँ पर, ऐसा हम कह सकते हैं। मंथली चार्ट में देखे तो मंथली चार्ट में हमें जो लास्ट स्विंग हाई लो मिला था ये, तो इसके बाद कंटिन्यू निफ्टी इंडेक्स टूवर्ड्स नॉर्थ की तरफ यहाँ से बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है, और 14,000 का ये जो टारगेट था ये भी ऑलमोस्ट यहाँ पर अचीव हो चुका है, और यहाँ पर हो सकता है रेजिस्टेंस फेस करे।
और जैसे अगर डेली चार्ट में देखें तो यहाँ पर अभी ये डोजी पैटर्न बन रहा है लास्ट टू ट्रेडिंग सेशन से। तो जब भी ऊपर की तरफ निफ्टी इंडेक्स या फिर कोई स्टॉक इस तरह से ऊपर की तरफ बढ़ता है, उसके बाद एक साइडवेज पैटर्न आ जाता है, फिर इस साइडवेज पैटर्न का अपर बैंड या फिर ये लोअर बैंड को अगर ब्रेक करता है तभी आने वाले ट्रेंड का हमें कंफर्मेशन मिल सकता है। अदरवाइज यहाँ पर ये साइडवेज पैटर्न में ट्रेंड का ट्रेड करना काफ़ी दिक्कत भरा हो सकता है। तो ऐसे पैटर्न क्रिएट होता है, एक अपवर्ड या फिर कभी डाउनवर्ड जर्नी ऐसे शुरू हो जाती है, तभी एक साइडवेज पैटर्न आ जाता है, फिर इसका अपर बैंड या फिर लोअर बैंड ब्रेक होने के लिए हमें वेट करना पड़ता है, तभी ट्रेडिंग के लिए सही समय साबित हो सकता है। तो यहाँ पर थोड़ा सा वेट करना होगा, 14,000 के ऊपर अगर सस्टेन करता है तो ही हम यहाँ से लॉन्ग पोजीशन हमारा कंटिन्यू कर सकते हैं, अदरवाइज यहाँ पर एक करेक्शन बनना काफ़ी लाजमी है। तो ये डेली चार्ट, वीकली चार्ट और मंथली चार्ट का सिनारियो है। आज के इंट्राडे लेवल्स हो सकते हैं उसको आइडेंटिफाई करेंगे। निफ्टी इंडेक्स अगर कल का ये जो हाई बन रहा है, ऑल टाइम हाई निफ्टी इंडेक्स ने क्रिएट किया, उधर ही पिवट पॉइंट का R1 का लेवल आ रहा है, यानी 14,025 के ऊपर अगर सस्टेन करता है निफ्टी इंडेक्स तो ही इंट्राडे के लिए हम यहाँ पर बाय पोजीशन बना सकते हैं, और तभी हमारा फर्स्ट टारगेट होगा 14,040, ये हमारा फर्स्ट टारगेट होगा, और सेकेंड टारगेट होगा 14,054, ये हमारा सेकेंड टारगेट होगा। और आप देख सकते हैं पिवट पॉइंट के पास ही आकर आर्ली चार्ट में ये कल क्लोज हो रहा था, यानी इसका लोअर बैंड जो है आर्ली चार्ट में ये ऑलमोस्ट पिवट पॉइंट के लेवल के पास, यानी अराउंड 13,976 के पास ये लोअर बैंड बन रहा था, इसके नीचे आर्ली चार्ट में आके ये क्लोज नहीं हो पा रहा था। तो इस लेवल को अगर कंफर्टेबली ये ब्रेक करता है अराउंड 13,973 तो ही इंट्राडे के लिए हम यहाँ पर शॉर्ट पोजिशन बना सकते हैं, और तभी हमारा फर्स्ट टारगेट होगा 13,955, ये हमारा फर्स्ट टारगेट होगा, और सेकंड टारगेट होगा ये 20 EMA के जस्ट ऊपर, यानी 13,938, ये हमारा सेकंड टारगेट होगा। तो ये है आज के लिए निफ्टी के इंट्राडे लेवल्स। अगर आपको ये वीडियो एनालिसिस अच्छा लगा तो लाइक शेयर कमेंट जरूर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। सो थैंक यू वेरी मच एंड हैप्पी ट्रेडिंग।